दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश पारिक आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था वैनड्रॉप स्वीट्स, जिसके फर्स्ट पार्ट में अपने इस नॉवल के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस नॉवल के, उनको अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आगे से। कजिन जो है वो जगन को बताता है कि माली अमेरिका जाना चाहता है, और अमेरिका जाने के पीछे उसका जो पर्पज़ है वो राइटिंग या फिर बुक राइटिंग्स की जो आर्ट है उसको सीखने के लिए वो जा रहा है वहाँ पर। जगन के एक फ्रेंड है मद्रास के अंदर, डिप्टी कमिश्नर, जो कि उसका जेलमेट था, और माली जो है अपने घर से 10,000 रुपये चुराता है, जिनमें से 5,000 रुपये वो एयर टिकट के लिए और 5,000 रुपये वो अपने अनदर जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, उनके लिए वो चुराता है। उसके बाद माली अमेरिका में न्यूयॉर्क चला जाता है, और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है ग्रेस के साथ में। ग्रेस और माली की मुलाकात जो है एक फुटबॉल मैच के दौरान होती है, जहाँ पर वो आसपास या फिर अगल बगल के अंदर बैठे हुए थे। जब माली अमेरिका से वापस लौटता है तब वो एक स्टोरी राइटिंग की एक मशीन की मैन्युफैक्चर स्थापित करना चाहता है, जिसके लिए वो मालिक को जगन को प्रिंसिपल प्रमोटर बनाना चाहता है। तो माली अपने बिजनेस के लिए प्रिंसिपल प्रमोटर बनाता है, वो होता है जगन, और अपने जो बिजनेस का पहला प्रोस्पेक्ट है वो माली जगन को बेचता है उसकी शॉप पे। और ग्रेस अपने बालों में जास्मिन के हेयर लगाती है, वो लगाती है फ्राइडे को। जगन जो है अपने शॉप पे जितने भी स्वीट होती है उनको बेचने के लिए उनके जो प्राइस है, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ था कि वो है प्राइस, अपने स्वीट के प्राइस को कम करता है, और प्रत्येक पैकेट का जो प्राइस होता है वो करता है 25 पैसे पर पैकेट। तो इस प्राइस को कम करने के बाद जगन से मिलने के लिए 3 लोग आते हैं। वो आता है एक तो आनंद भवन सेठ, दूसरा आता है एक व्यक्ति जो कि लो कोर्ट में कैंटीन चलाता है, और एक आता है चिन्ना दोराई। आनंद भवन सेठ कहता है कि बिजनेस फर्स्ट इज़ माई मोटो ऑलवेज, जो कि 15 ईयर से मालगुडी के अंदर अपना बिजनेस चला रहा है, और चिन्ना दोराई को बैठने के लिए कोई भी चेयर वगैरह ऑफर नहीं की जाती है, और वो जगन के पैरों के पास में ही बैठ जाता है। जगन जो है 4 कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है, जबकि अपनी जो ड्रिंक है वो उसका चौकीदार, जिसका नाम होता है कैप्टन, उसको दे देता है। जगन जो है डेली 4 ounces वाटर डेली वो ड्रिंक करता है। चिन्ना दुराई जहाँ पर रहता है उस जगह का नाम आता है कबीर लेन, और चिन्ना दुराई को आनंद भवन जो सेठ है वो पंडित जी के नाम से कह के बुलाते हैं। चिन्नादोराई है वो एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी है, जबकि उसका काम क्या है, लोगों की हेयर डाई करना, बालों के कलर करना। चिन्नादोराई के मास्टर का नाम आता है पेरिया दोराई, जो कि टेंपल्स के अंदर गॉड्स की पिक्चर बनाने का काम करते हैं। पेरिया दोराई जो है वो एक अनमेरिड है, और चिन्नादोराई ने उसको ज्वाइन किया था उस समय चिन्ना दोराई की उम्र थी केवल और केवल 5 साल। चिन्ना दोराई भी क्या है, अनाथ है, और वो भी अपने मास्टर की तरह है मूर्ति बनाने का काम साथ में करता है, उसकी हेल्प करता है। जगन उसके बारे में कहता है कि ही हैज़ द वाइटेस्ट बियर्ड एंड सेल्स ब्लैकेस्ट हेयर डाई, कि खुद उसके जो है दाढ़ी बाल वगैरह है वो क्या है, बिल्कुल सफ़ेद है, जबकि लोगों के बाल वो क्या करता है, डाई करता है। पेरिया दोराई जो है वो सोचता है कि 5-faced गायत्री की मूर्ति को वो स्थापित करना चाहता है, जिसकी जो 18 inches उसकी क्या होगी, लंबाई होगी। जगन कहता है कि अपने उस नेक्स्ट बर्थ के अंदर भगवान से उसको जो कुछ बना दे, लेकिन एक मनी मेकिंग स्वीट मेकर विद ए स्पॉइल्ड सन ये मत बनाए, कि जब वो
माली की आदतों से, हरकतों से जब तंग आता है, तब वो कहता है कि भगवान से उसको कुत्ता, बिल्ली, जानवर कुछ भी बना दे, लेकिन एक स्पॉइल्ड सन के साथ में एक स्वीट मेकर उसको ना बनाए। चिना दुराई, जिसकी एट प्रजेंट एज है, वो है 69 ईयर्स ओल्ड, और वो चाहता है कि उसके 70 बर्थडे पे जब वो मरता है तो उसकी वो एक जो उसके पेरे दुराई, उसके मास्टर का जो ड्रीम था वो पूरा हो जाए। एक इमेज 5 फेस्ट गायत्री की जो इमेज है, मूर्ति है, वो स्थापित हो जाए। चिना दुराई की एक फिलोसफी है कि एट फास्ट, डोंट हरी, बट वेन यू डिसाइडेड बी स्विफ्ट एंड पॉजिटिव, कि सबसे पहले आप कोई भी जल्दबाजी मत करो, लेकिन अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया तब आप उस काम को करने के लिए आप क्या हो जाओ, जल्दी से उसको कंप्लीट करो, स्विफ्ट करो, तेज़ी से करो उसको। ये है सिन्हा दोराय की फिलोसफी। जगन जो है एक बार अपने घर में से, जब ग्रेस और माली दोनों घर पे आते हैं, तब जगन जो है उन दोनों की हरकतों से नाराज होता है और ओपन हिज आई आफ्टर 15 डेज। जगन जो है अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देता है। किस लिए छोड़ देता है? कि जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो उस मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए उसने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया गया था, और इसी मूवमेंट में हिस्सा लेने के बाद उसको जेल में डाल दिया गया था। और उसने जो स्वीट मेकिंग की जो आर्ट थी वो जेल के अंदर ही सीखी थी। ग्रेस जो है वह जगन्स को बताती है कि माली और ग्रेस वो दोनों मैरिड नहीं हैं। उसके बाद में जगन अपने हाउस को हेल के साथ में, नरक के साथ में कंपेयर किया करता है कि माली और ग्रेस दोनों मैरिड नहीं हैं, फिर भी एक ही रूम में, एक ही छत के नीचे रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो अपने वो घर को हेल के साथ में कंपेयर करता है। कजिन जो है वो बहुत प्रैक्टिकल मैन है, वो जगन को बताता है कि माली एंड ग्रेस कैन बी मैरिड नाउ, कि माली और ग्रेस जो है वो अभी भी शादी कर सकते हैं, और ग्रेस जो है वो अपने रिलीजन में कन्वर्ट हो सकती है। जगन की एक सिस्टर है, वो कहती है कि नो वन कैन ब्लेम माली विद ए फादर्स लाइक यू, कि कोई भी माली को ब्लेम नहीं कर सकता जब उसके पिता आप जैसा हो। ये स्टेटमेंट आता है जगन की सिस्टर का। कुपम जो है वो है अंबिका का गांव है। कुपम, अंबिका है जगन की वाइफ। उसका वे कौन सा है? ट्रिची, माइल और कुपम। ये है कुपम जाने का रास्ता। जब माली का जन्म होता है, डिक्लेरेशन एट मालीज बर्थ, तो वो डिक्लेयर करते हैं कि 1,000 रुपये वो बैंक में जमा करवाएंगे, प्लस में 100 रुपये एवरी ईयर फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि अंबिका की फैमिली की तरफ से और जगन की फैमिली की तरफ से, दोनों की तरफ से 100 रुपये प्रत्येक साल बैंक में क्या डिपॉजिट करवाए जाएंगे। माली जो है वो अपना पूरा दिन जो है टाउन पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर स्पेंड करता है। द वर्ल्ड सर्विस रिमाइंड जगन ऑफ गांधीज विजिट टू मालगुडी इन 1937, 1937। ये जो वर्ल्ड है सर्विस, ये जगन ने पहली बार सुना था 1937 में, जब गांधी जी मालगुडी के अंदर आए थे। जगन जो है वो माली को अपसेट नहीं करना चाहता, इसलिए वो माली से कुछ बात भी नहीं करता, उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछता। कजिन जगन को कहता है कि यू हैव नॉट मास्टर्ड वन थिंग, द आर्ट ऑफ लुकिंग हैप्पी, कि आप सब कुछ चीज़ों में परफेक्ट हो, केवल एक चीज़ के अंदर परफेक्ट नहीं हो, वो कौन सी है? आर्ट ऑफ लुकिंग हैप्पी। माली जो है वो एक मैगजीन में रीड करता है कि अमेरिका के अंदर एक कोई कोचिंग क्लासेस है जो कि नोवेल राइटिंग के बारे में सिखाती है। माली अपने कपड़े और पासपोर्ट अमेरिका जाने के लिए जो तैयार करवाता है वो करवाता है मद्रास से। तो जब ये पैसे चुराता है 10,000 रुपये अपने घर से, तब जगन कहता है कि माली जो है वो प्रैक्टिकल है, द बॉय इज़ प्रैक्टिकल। ये बात कहता है जगन किसके लिए? माली के लिए। और ये कहता किससे है? कजिन को कहता है जब माली अपने घर से 10,000 रुपये चुराता है। वहाँ पे एक एरोप्लेन कंपनी के अंदर एक काम करता है व्यक्ति, जो कि है लाइब्रेरियन का ब्रदर है, वो ही सब कुछ अरेंज करवाता है
माली के लिए, कि उसके माली के ड्रेसेस, उसके अमेरिका जाने की फ़्लाइट का टिकट, वो सब कुछ करवाता है ब्रदर ऑफ अ लाइब्रेरियन। जब उसको बात पता चलती है कि माली जो है वो एरोप्लेन से जा रहा है, तब वो कहता है, जगन सजेस्ट करता है कि उसको स्टीमर से जाना चाहिए क्योंकि एरोप्लेन से जाने के लिए उसको खतरा है। तो जगन उसको सजेस्ट करता है स्टीमर से जाने के लिए। जगन जो है वो 5 पैसे देता है बेगर को, भिखारी को, लिसनिंग हिम, कि जब जगन की बात कोई नहीं सुनता तो जगन अपने पास में बैठाकर एक भिखारी को अपनी हर एक बात बताता है, उसको गीता का पाठ बताता है और भिखारी बड़े आराम से सुनता है। तो भिखारी जब जगन की बात को सुनता है तो जगन उसको 5 पैसा देता है उसकी बात को सुनने के लिए। जगन को माली जब अमेरिका से लेटर सेंड करता है तो वो हर किसी को लेटर दिखाता है, उस लेटर के बारे में लिखी हुई बातों को बताता है। लेकिन जब माली को एक लेटर मिलता है जगन को माली से, तो उसमें माली ने लिखा होता है कि उसने वहाँ पर बीफ खाना स्टार्ट कर दिया गया है और तुम लोग भी बीफ खाना स्टार्ट कर दो। और इस लेटर के बारे में जगन जो है वो किसी को भी नहीं बताता। जगन अपने लेटर के अंदर एक चीज़ मेंशन करता है कि वो जब इंडिया आ रहा है तो उसके साथ में एक व्यक्ति और आ रहा है, अनदर पर्सन, और ये जो अनदर पर्सन था वो था ग्रेस इन मालेज लेटर। जब माली और ग्रेस ये दोनों इंडिया आते हैं वापस, तो जगन, कज़िन, ये दोनों उनके लिए, उनको लेने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और गफूर की टैक्सी के अंदर वो तीनों के तीनों सभी घर आते हैं। माली का जो रूम होता है, तो उनको पता चलता है भी ग्रेस भी उनके साथ में आ रही है, तो माली का रूम जो है वो डॉक्टर्स की वाइफ के गाइडेंस के अंदर पूरा तैयार किया जाता है। और द प्लेस होटल एक जगह है जहाँ से यूरोपियन फूड जो है वो वहाँ पे वो सप्लाई होता है। इन न्यू एक्सटेंशन माली वेंट टू दिस प्लेस विद ग्रेस आफ्टर डार्कनेस। ये एक और प्लेस है। यहाँ पर ग्रेस जो है वो जगन्स को एक पिकनिक हैम्पर गिफ्ट करती है जिसके अंदर नाइफ, नाइफ्स है एंड फॉक्स है, इत्यादि चीज़ें हैं, जो कि क्या है, जगन्स को गिफ्ट करती है ग्रेस। ग्रेस जो है वो जगन्स के फूड हैबिट की तारीफ़ करती है। ग्रेस न्यू जर्सी के अंदर बॉर्न हुई है, उसका बर्थ हुआ है न्यू जर्सी के अंदर। उसके मदर जो है वो हाफ कोरियन थी, उसके फादर थे वो हाफ अमेरिकन थे, सोल्जर थे। और ग्रेस की जो स्टडी होती है वो मिशिगन के अंदर होती है, डोमेस्टिक साइंस के अंदर उसने स्टडी की होती है और वो फुटबॉल मैच के दौरान उससे मिलती है। मार्गो से जो नाम मिलता है वो एम्ब्रोसिया इन वेदास, यानी कि वेदों के अंदर मार्गोसा का नाम होता है एम्ब्रोसिया नेम का। माली नीड ए टेलीफोन टू एनक्वायर अबाउट हिज लगेज। माली जो है वो अपने जगन को कहता है कि आपके घर में टेलीफोन क्यों नहीं है, तो वो टेलीफोन की डिमांड करता है। जगन जो है वो माली के जो लेटर्स आते हैं उनको किस किस के बारे में बताता है। एक तो नटराज को बताता है, एक लॉयर वन टूथ जिसके एक ही दांत है, केमिस्ट को बताता है, सिवारामन जो उसका हेड कुक है उसको बताता है, और कजिन उसको बताता है। और जब उसका लेटर मिलता है तो कजिन को जगन कुछ मनी देता है और वो कहता है कि 2 कोकोनट जो है आप भगवान गणेश के आगे चढ़ा देना मंदिर में। माली के फ्रेंड कौन कौन से हैं, एक तो केरोसिन एजेंटसन उसका लड़का है, बटन फैक्ट्री बॉय ये पंजाब से है, जज नेफ्यू डिस्ट्रिक्ट का जज है ये, जो कि पीडब्ल्यूडी के अंदर वर्किंग कर रहा है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और रजिस्ट्रार सन। इसके अलावा जब माली को पहली बार साइकिल मिली थी तब माली की उम्र थी 7 ईयर। और जब जगन अपनी दुकान में बच्चों को देखता है मिठाइयों की तरफ देखते हुए, तब वो अनईजी या फिर अपसेट फील करता है। कजिन जो है वो जगन को बताता है कि माली जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, स्टोरी राइटिंग मशीन को मैन्युफैक्चर करना चाहता है जिसके अंदर 4 नॉब होगी, कैरेक्टर्स, सिचुएशन, क्लाइमैक्स,
और एक होगी एक कॉम्बिनेशन के लिए फॉर बैलेंस फॉर थ्री, इन तीनों को बैलेंस करने के लिए। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, इसके बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे अपने इस नॉवल्स को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।